नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारतीय परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग का चैप्टर फर्स्ट जो है उस चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है हमारा आज का, हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और इंडस्ट्रीज में जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज में हमने पिछले वीडियोज में टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज तीन तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री का हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। आज हम आज की क्लास में सेकेंडरी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, ठीक है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और दूसरा जो पार्ट है इसका इंडस्ट्री का, सेकेंडरी इंडस्ट्री का, वो है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, निर्माणी उद्योग। निर्माणी उद्योग किसे कहते हैं? तो सीधी सी बात है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है, जिसमें निर्माण कार्य किए जाते हैं, जिसमें निर्माण कार्य किए जाते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, कॉटन से कपड़ा बनाना क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। क्लियर? अच्छा, इसमें फिनिश गुड, रॉ मटेरियल को किसमें तैयार किया? फिनिश गुड्स में। दूसरी ओर अगर हम देखें कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में कैसे काम होता है? इसमें रचनात्मक कार्य होते हैं, और रचनात्मक कार्य में कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन संबंधी काम होते हैं। और कंस्ट्रक्शन संबंधी काम कैसे होते हैं? जिसमें कंस्ट्रक्टिव वर्क बाय यूजिंग सीमेंट, आयरन, वुड्स, ब्रिक्स, इन सब का यूज करते हुए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डैम बना दिया, कोई सड़क तैयार करनी हो, कोई ब्रिज तैयार करना हो, कोई बिल्डिंग तैयार करनी हो, तो वो सब किस में आती है? वो सब आती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। जबकि ये पेन तैयार किया गया, मोबाइल तैयार किया गया, बस तैयार की गई, ठीक है, या कोई बल्ब तैयार किया गया, कैमरा तैयार किया गया, कोई स्पीकर तैयार किया गया, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शामिल होंगे। कंप्यूटर तैयार किया गया, सब किस में आएंगे? टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आगे हम जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइप्स पढ़ रहे हैं तो हम इसका और ढंग से विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो कौन कौन सी है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमने इसका क्लासिफिकेशन किया, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसको हमने चार भाग में बांट दिया, एनालिटिकल, प्रोसेस, सिंथेटिक और असेंबली। हमने मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माणी जो उद्योग है, उस निर्माणी उद्योग को कितने भागों में बांट दिया? चार भागों में, एनालिटिकल, प्रोसेस, सिंथेटिक और असेंबली। अब बात करते हैं एनालिटिकल क्या है। एनालिटिकल जो इंडस्ट्री है, इस एनालिटिकल इंडस्ट्री में मैनी थिंग्स सिव आउट ऑफ वन, मतलब एक चीज से बहुत सारी चीजों को प्राप्त किया जाता है। मैनी थिंग्स फ्रॉम आउट ऑफ वन, जब हम एक चीज से अनेक चीजें प्राप्त करेंगे तो उसको किस में शामिल करेंगे? एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये सब हमें एक ही, जो कच्चा तेल जो धरती से हमें प्राप्त होता है, अर्थ से हमें प्राप्त होता है, ये सब एक ही कच्चे तेल से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री को हम क्या बोलेंगे? एनालिटिकल इंडस्ट्री। दूसरा है प्रोसेस इंडस्ट्री। तो प्रोसेस इंडस्ट्री नाम से ही पता लग रहा है कि रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, कि रॉ मटेरियल जो है उस रॉ मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है, और जब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से वो रॉ मटेरियल गुजरता है, तो रॉ मटेरियल गुजर करके एक नया फिनिश गुड्स तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, सुगर कैन से सुगर प्राप्त करना, गन्ने से चीनी का उत्पादन। तो गन्ने से चीनी का उत्पादन किसमें शामिल हुआ? प्रोसेस इंडस्ट्री में।
आगे चले तो सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या करते हैं कि जो कई सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उन रॉ मटेरियल्स को कंपाउंड करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है, और उनको कई सारे रॉ मटेरियल्स को कंपाउंड करके मिक्सचर करके उनका मिक्स करके उनको प्रोसेस में लाया जाता है और प्रोसेस में करके एक पावरफुल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट में कोल है, आयरन है, ठीक है, इन सब चीजों को मिला करके और भी एक्सेट्रा कई चीजें होती है, जिंक वगैरह होती है, उन कई सारी चीजों को मिला करके और हमने एक कच्चा माल, हमने कई सारे कच्चे माल को मिला करके एक तैयार माल तैयार कर दिया, ठीक है। तो ये किस में आएगा? सिंथेटिक, मिक्स रॉ मटेरियल्स प्रोसेस एंड आउट मोर पावरफुल प्रोडक्ट, दैट्स जस्ट लाइक एज ए सीमेंट। नेक्स्ट इज असेंबलिंग। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है असेंबलिंग में क्या करते हैं, असेंबलिंग में असेंबल करते हैं कई सारे जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को लेकर के उनको असेंबल किया जाता है और असेंबल करके एक नया आउटपुट, एक नया प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में हमने क्या किया, पार्ट्स को मिलाया। फॉर एग्जाम्पल हमें एक गाड़ी बनानी है, हमें बस बनानी है, कार बनानी, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम चीजों को असेंबल करते हैं। तो जब चीजों को असेंबल करके हम कोई नई चीज प्राप्त करते हैं तो उस इंडस्ट्री का नाम क्या है, उस इंडस्ट्री का नाम है असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो हमने बच्चों आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पार्ट्स को समझा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स, ठीक है। तो बच्चों आज हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पहला पार्ट एनालिटिकल, जिसे विश्लेषणात्मक भी कहते हैं, दूसरा पार्ट प्रोसेस जिसे प्राविधिक भी कहते हैं, तीसरा पार्ट सिंथेटिक जिसे सम्मिश्रण भी कहते हैं, और चौथा पार्ट असेंबलिंग जिसे संयोजक भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सके। बाय।